राम जी। मैं भजन राम इस वक्त इस पर लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बैद्यनाथ राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वैद्यनाथ राम ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। 12वां रिक्त मंत्री पद वैद्यनाथ राम से भरा गया है। झामुमो कोटे से मंत्री बने हैं वैद्यनाथ राम। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में भी इनका नाम राजभवन को भेजा गया था लेकिन आखिरी क्षणों में बदलाव किया गया था, लौटना पड़ा था राजभवन के गेट से। इस बार हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनको जगह दिया है, सम्मान दिया है। थोड़ी मायूसी थी, थोड़ी नाराजगी थी जो आज वैद्यनाथ राम की दूर हो गई है। पांच सालों के कार्यकाल में झारखंड में यह तीसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार। 2019 में चुनाव जीतने के बाद गठबंधन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उसके बाद हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, एक बार फिर नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ और तीसरी बार आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।